नमस्ते, कैसे आप सब? आई रियली होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं अपने एक घंटे के योगा क्लास को कैसे डिज़ाइन करती हूँ। मेरे को पता है आप में से बहुत लोगों का जो है ये क्वेश्चंस हमको कमेंट सेक्शन में मिलता ही है। वैसे तो ये जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है, मैं अपने TTC में बहुत ही डिटेल तरीके से जो है समझाती हूँ और जो है रीजन्स के साथ मैं उनको जो है सिखाती भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन मेरे को लगा कि ये चीज़ जो है ये जिस्ट में आप लोग सबको जो है बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से जो है अपने लिए एक क्लास स्ट्रक्चर बना सके। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हर एक योगा टीचर का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर एक योगा टीचर का जो है क्लास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर ये बोला तो दूसरे का गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर किसी का डिफरेंट होता ही है। तो मैं जो बोलूंगी आज वो मेरे क्लास स्ट्रक्चर जो है, मेरे क्लास का डिज़ाइन है। आप इसमें जो है कुछ चेंजेस करके आप अपना खुद का क्लास स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं अपने एक घंटे के क्लास को 7 पार्ट क्लास स्ट्रक्चर में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है वो है ग्राउंडिंग, जिसमें मैं प्रेयर एंड डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करती हूँ। ऑब्वियसली बात है कि हम जब मैट पे बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो इधर उधर रहता ही है, ठीक है। तो उस चीज़ को काम डाउन करना, अपने माइंड को, अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना, मैट के ऊपर जो है कंसनट्रेट करवाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई भी एक प्रेयर का उच्चारण जो है वो मैं करवाती हूँ। सेकेंड जो पार्ट है उसमें मैं क्रिया करवाती हूँ या प्राणायाम करवाती हूँ। इसमें मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ये करवाती हूँ। देखिए, कपालभाति क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दोनों कूलिंग प्राणायाम नहीं है, ठीक है। ये बॉडी को हीट अप करता है, तो इस वजह से इनको मैं जो है शुरुआत में रखती हूँ, ना कि एंडिंग में। तो दोनों में से कोई भी एक मैं चूज करती हूँ अपने क्लास के हिसाब से एंड देन उसको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये मेरा जो है सेकंड पार्ट रहता है। थर्ड है जेंटल स्ट्रेचेस, जिसमें मैं सूक्ष्म व्यायाम करवाती हूँ एंड ड्रिल्स करवाती हूँ। सपोज अगर मैं हिप ओपनिंग की क्लास ले रही हूँ तो उस जो है जेंटल स्ट्रेचेस में मैं जो है हिप ओपनिंग के ड्रिल्स जो है वो करवाती हूँ, ताकि हम डायरेक्ट आसन में जाने से पहले, डायरेक्ट जो फाइनल पोस्चर है उसमें जाने से पहले हम अपने मसल को, अपने बॉडी को जो है प्रिपेयर कर सकें वो फाइनल पोस्चर के लिए। फोर्थ जो स्ट्रक्चर है मेरा वो है कार्डियो का सेक्शन। तो कार्डियो में बेसिकली मैं सूर्य नमस्कार करवाती हूँ। आपको पता ही है 3 तरीके के कॉमन सूर्य नमस्कार हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल हठ योगा वाला हो गया, दूसरा हो गया अष्टांग सूर्य नमस्कार ए, तीसरा हो गया अष्टांग सूर्य नमस्कार बी। तो इन तीनों में से कोई भी एक सूर्य नमस्कार को मैं जो है 4 to 5 repetitions या किसी किसी दिन 7 repetitions में भी जो है मैं करवाती हूँ। कार्डियो का मेन जो पर्पस है वो है बॉडी को हीटअप करना, ताकि हम जब योगा जो है फ्लो करें, योगा आसन्स करें, हम कोल्ड मसल्स में ना करें। कोल्ड मसल्स में जब भी हम आसना प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी जेंटल स्ट्रेचेस या सूक्ष्म व्यायाम या कार्डियो, तो जो है क्रैम्प्स एंड स्पैजम्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा जो है रहता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं जो है कार्डियो को हमारी योगा फ्लो से जो है पहले करवाती हूँ। फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो है मेरा योगा फ्लो का। तो आप अगर थ्राइज अ वीक क्लास लेते हैं या 5 days a week क्लास लेते हैं, ऑब्वियसली बात है कि आप एक रूटीन बनाते होंगे, एक स्केड्यूल बनाते होंगे अपने लिए। तो मैं भी एक स्केड्यूल बनाती हूँ अपने ग्रुप क्लासेस के लिए। ये एक सैम्पल है मेरे जो है एक वीक के स्केड्यूल का। इसमें मैं हर दिन जो है योगा फ्लो चेंज करती हूँ। अगर फर्स्ट डे मैंने हिप ओपनिंग करवाया तो सेकेंड डे कुछ और होगा, थर्ड डे सपोज बैक बेंड करवाया, देन कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग, उसके बाद कुछ और, ऐसे करके मैं जो है क्लास डिज़ाइन करती हूँ। एंड वो योगा फ्लो के अकॉर्डिंग ही मेरे जो है जेंटल स्ट्रेचेस जो है वो रहते हैं। अगर मैं कोर एंड आर्म स्ट्रेंथनिंग का क्लास ले रही हूँ तो मेरे जेंटल स्ट्रेचेस में कोर एंड आर्म्स के ड्रिल्स भी होंगे, ताकि हमारा जो है मसल मेमोरी बन सके, हम अपने आर्म्स को जो है ट्रेन कर सके फाइनल पोस्चर के लिए। सिक्स जो स्ट्रक्चर है वो है कूलिंग डाउन। जब मेरा योगा फ्लो कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूम
टेम्परेचर में बॉडी को वापस से ले आना। तो इसमें मैं जो है पवन मुक्तासन वेरिएशन करवाती हूँ ताकि बैक मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन मिले, एंड कोई भी ट्विस्टिंग करवाती हूँ, चाहे वो मरकट आसन का कोई भी वेरिएशन हो या सुपाइन ट्विस्ट हो। ये करवाने के बाद मैं जो है शवासन में उनको छोड़ देती हूँ फॉर 2 to 3 minutes। तो ये एक्चुअली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी जो है वो कूल डाउन रहे। बहुत क्लासेस में मैंने देखा है कि योगा फ्लो के बाद लोग जो है चले जाते, ये बहुत गलत चीज़ है, इससे जो है आगे इंजरीज हमको जो है होने लगती है। कूलिंग डाउन होने के बाद मैं अपने लास्ट स्ट्रक्चर में आती हूँ जो है प्राणायाम का सेक्शन। तो इसमें मैं जनरली कूलिंग प्राणायाम करवाती हूँ, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नारी शुद्धि हो गया, चंद्रभेदी हो गया, भ्रामरी प्राणायाम या फिर ओम चैंटिंग। और उसी बीच प्राणायाम कंप्लीट होने के बाद ही हम जो है शांति पाठ करके ये जो सेशन है 1 घंटे का उसको एंड करते हैं। तो ये था मेरा पूरा 1 घंटे का क्लास। इसमें मैंने इतना डिटेल में जो है आपको नहीं बताया क्योंकि मेरे को लगता है जो लोग हमारा TTC खरीदते हैं उनके लिए फिर नाइंसाफी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको एक जिस्ट दिया और मैंने रीजंस भी दिए कि किस के बाद मैं किस चीज़ को रखती हूँ और क्यों रखती हूँ। ऐसे ही आप अपना खुद का क्लास जो है डिज़ाइन कर सकते हैं और टाइम जो है अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कौन से स्ट्रक्चर में कितना टाइम देना है ताकि आपका 1 घंटे का क्लास जो है वो कंप्लीट हो सके। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं। मैं योगा फिलॉसफी एंड आयुर्वेद का नॉलेज भी आपको जो है देने की कोशिश करती हूँ और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप योगा फ्लो सीखना चाहते हैं, कैसे जो है योगा फ्लो डिज़ाइन किया जाता है, तो आप निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं, वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लो जो है बताती हैं। अगर आप अपने लिए एक ऑनलाइन TTC ढूंढ रहे हैं और आपको ये चाहिए कि आपको कोई एक पुश मिले, एक गाइडेंस मिले कि एक योगा क्लास प्रॉपरली कैसे लिया जाता है, कि योगा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसके साथ ही जो TTC का सिलेबस है वो भी कवर अप हो, तो आप हमारे ऑनलाइन TTC को ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड हैं अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हमारे TTC में रजिस्टर या एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।